हुआ क्या, जो p ऑर्बिटल्स दोनों पहले एक ही चार्ज डेंसिटी के थे, इसका एक लोग अब क्या हो गया, साइज में बिगर हो गया, यानी वो थोड़ा सा s जैसा बनने लगा। ओके, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। माई सेल्फ मोहम्मद इजाजल, और आज के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन असल में होता क्या है? तो जैसा कि देखें, इसमें एक वर्ड आता है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड बायोलॉजी वाले के लिए तो बड़ा कॉमन टर्म है, बट आम लोगों के लिए हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, और खास तौर पर हम लोग कहने वाले इंटरमिक्स। ओके, हम दो अलग नेचर की चीज़ों को साथ में मिलाने वाले हैं और एक नई चीज़ बनाने वाले हैं, जिसमें ये दोनों चीज़ें अपना अपना थोड़ा हिस्सा खो देंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स के हाइब्रिड हैं। ओके, आप, कोई आपसे कहता होगा आप थोड़े अपने मम्मी पापा जैसे लगते हैं, अपने थोड़े पापा जैसे लगते हैं, पर आप उन दोनों जैसे 100% नहीं हैं। आप उन दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स अपने अंदर कैरी करते हैं, तो आप उनके जैसे होते हुए भी उनके जैसे नहीं हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड यूनिफॉर्म ज्योमेट्री। ओके, तो हमें क्या करना है, हमारे जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो s हो, p हो, d हो, उन्हें हम क्या करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि जो अगर मैं s में p ऑर्बिटल मिक्स कर रहा हूँ, तो मेरा s थोड़ा p जैसा हो जाएगा, p थोड़ा s जैसा हो जाएगा। अगर s में d मिला रहा हूँ, तो d थोड़ा s जैसा हो जाएगा और s थोड़ा d जैसा हो जाएगा। ओके, और होगा क्या कि जब भी मैं किसी ऑर्बिटल को मिक्स करूँगा, चाहे वो अगर s और p है, जैसे 2s और 2p में एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है, पर जैसे ही वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, यानी जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, तो 2s और 2p मिक्सिंग के बाद एक ही एनर्जी लेवल पर आ जाएंगे। और इस टर्म का एक स्पेसिफिक नेम है कॉल्ड डीजनरेट, कि वो डीजनरेट हो जाएंगे, यानी कि सेम एनर्जी पर आ जाएंगे। और उनकी जो ज्योमेट्री है, जैसे s स्फेरिकल होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ एक सी होती है, लेकिन p की डायरेक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर एक्सिस में अलाइंड होती है, जैसे कि x में, y में या z में। तो क्या है, जब ये मिक्स करेंगे, तो सारे मिक्स्ड ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री है वो भी एक जैसी हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, कंडीशन, ओनली सेंट्रल एटम्स nearly same energy। ओके, मतलब आप 2s को 2p में मिला सकते हैं, पर आप 2s को 3p में नहीं मिला सकते। सिमिलरली आप 2p को 3s में नहीं मिला सकते, क्योंकि जो सेकेंड शेल और थर्ड शेल के बीच का जो एनर्जी गैप है, वो कई गुना ज़्यादा होता है, जिस वजह से इंटरमिक्सिंग उनकी पॉसिबल नहीं है। और इस आप सीधा या ऐसे रख सकते हैं, Only those atomic orbitals are mixed that have same value of principal quantum number, yani jinka shell number same ho, simple quantum
नंबर, ओके। नाउ कंडीशन नंबर थ्री, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड दे लूज सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड बिकम डीजनरेट, विच मीन्स उनकी सेम एनर्जी हो जाती है एंड हैव सेम ज्योमेट्री। रूल नंबर फोर, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। कहने का यह मतलब है कि अगर मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और मैं इसमें p ऑर्बिटल तीन मिला रहा हूँ, ओके, दिस इज योर n, दिस इज p ऑर्बिटल। सो अगर मैं s में तीन p ऑर्बिटल मिला रहा हूँ और एक हाइब्रिडाइजेशन बनाता हूँ sp3, तो जो मेरे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी चार ही बनेंगे, क्योंकि मैंने चार ऑर्बिटल मिक्स किए थे। और चारों कैसे होंगे? sp3 होंगे, वो भी सेम इक्वल एनर्जी के, ओके। एंड रूल नंबर फाइव, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल इन फॉर्मिंग बॉन्ड्स देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटर बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग एनर्जी में लोअर होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले, ओके। एंड एक बात याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि जितना भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, मैं सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए फाइन कर सकता हूँ जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग अकर करती है। किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए मैं कभी हाइब्रिडाइजेशन बता ही नहीं सकता, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग एक कम्प्लीटली अलग टॉपिक है, उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती ही नहीं, ओके। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी बताई नहीं जा सकती। तो नाउ हाइब्रिडाइजेशन असल में होता क्या है, ओके। सो लेट्स सपोज sp मिक्स है, अगर मैं कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना चाहता हूँ तो असल में होता क्या है? तो ये सपोज कीजिए मेरा है s ऑर्बिटल, ओके। अब s ऑर्बिटल क्या है मेरा? स्फेरिकल शेप का है, वहीं पर जो इसकी इट हैज नो डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ, क्योंकि एक स्फेयर है, सब तरफ एक सी है, ओके। इसका मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जहां पर इसका चार्ज अलाइन होता हो, तो इट हैज नो डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ चार्ज, ओके। वेयर एज अगर मैं इसके साथ कोई ऑर्बिटल मिक्स कर रहा हूं, लेट्स सपोज px which has a dumbbell shape, dumbbell, वहीं पर it has directional character of charge, because अगर ये px है which means इस particular direction में इसकी electron density सबसे ज़्यादा है, directional nature। So क्या होगा जब s और p orbitals आपस में मिलना शुरू करेंगे, यानी जब ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ओके, जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करने की करेंगे तो s थोड़ा p जैसा हो जाएगा और p थोड़ा s जैसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो अगर आप देखेंगे ये है मेरी sp मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ये मिक्सिंग है, ओके। हुआ क्या, जो p ऑर्बिटल दोनों पहले एक ही चार्ज डेंसिटी के थे,
इसका एक लोग अब क्या हो गया, साइज में बिगर हो गया, यानी वो थोड़ा सा एस जैसा बनने लगा, पर वहीं पर जो एस सबशेल था वो पहले से थोड़ा दब चुका है, उसकी चार्ज डेंसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने लगी है, जैसे यहाँ पर ये थिन है और इस पर्टिकुलर एरिया में इसका साइज लार्ज है, तो एस में थोड़े से पी के करेक्टर्स आ गए और पी में थोड़े एस के करेक्टर्स आ गए, इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन या फिर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, लेट्स सपोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, विच मींस 1s ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल्स, इसका मतलब कितने टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने चाहिए। अब हम पहले ही जानते हैं कि एक sp मिक्सिंग से एक ऑर्बिटल कुछ ऐसा बनता है, तो चार कैसे बनने चाहिए, कुछ इस तरह। चार बन गए, दिस इज कॉल्ड एज योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आपके ऑर्बिटल्स इस तरह से अरेंज हो गए। अगर आपने विस्पर की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता लगेगा कि ये असल में टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है और इसकी ज्योमेट्री का जो एंगल है वो है 109 degrees 28 minutes, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, इसका शेप जिसमें ये सारे के सारे ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से अलाइन है 3 dimensions में। ओके, जिसमें ये बॉन्ड वाली लाइन का मतलब है ये प्लेन ऑफ पेपर से बाहर है और ये डैश लाइन प्लेन ऑफ पेपर से उल्टी तरफ है दीवार की तरफ, और ये दो लाइन मेरी बॉन्ड में, तो ये एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल है क्लॉ की फॉर्म में। क्लियर, और लेट्स रोटेट इट। सो इट्स लाइक दिस, ओके। नाउ सिमिलरली इफ आई गो फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, means 1s and 2p orbitals are used, total 3 hybrid orbitals, so 3 hybrid orbitals का मतलब एक के मिक्सिंग पर ऐसा शेप आता है, तो 3 orbitals एक दूसरे को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू Weisbach रिपल्शन को मिनिमम रखने के लिए, एंगल 120 degrees, ज्योमेट्री विल बी योर ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, दिस विल बी योर ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री पर, ओके, एंड लास्ट आपकी है sp हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर मैं 1s और 1p ऑर्बिटल को मिक्स करूंगा टू फॉर्म 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें एक कुछ इस तरह का नजर आएगा और सिमिलरली दूसरा कुछ इस तरह का नजर आएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। दिस इज लुक्स योर दैट दिस दैट्स हाउ योर sp हाइब्रिडाइजेशन लुक्स लाइक। ओके, सो ये है बेसिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि आखिर हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है, ऑर्बिटल्स मिक्स क्यों करते हैं, और मिक्स होने पर एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ हो क्या रहा होता है। सो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी हाइब्रिडाइजेशन को बेहतर समझने में, एंड रिमेंबर ये सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आई थिंक विल हैव अ डिफरेंट क्लास एंड विल डिस्कस इन लेटर मोर इन द क्लासेस।